हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, अच्छी चलनी चाहिए, जबरदस्त चलनी चाहिए, मजा आना चाहिए तैयारी में, ठीक है, जुनून बनना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन और अच्छे इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हमने उसमें पढ़े थे। तो एक्चुअली आज की क्लास छोटी सी क्लास होने वाली है। पता नहीं आप लोगों को शायद रेमान इंटीग्रल क्या पसंद नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। भाई अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके बताया करो, समझ आता है नहीं आता है। अगर समझ नहीं आ रहा या पसंद नहीं आ रहा तो हम स्विच कर देंगे, स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, बता देना, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए, स्किप आना चाहिए, है ना। तो हमने लाइक और कमेंट से शो किया करो, ठीक है। चलिए, तो आज की छोटी सी क्लास ले रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट बच्चों का कम लग रहा है मुझे, देखो भाई। और अगर आज की क्लास में ज़्यादा से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो वी विल स्किप, ओके। तो आगे रेमान इंटीग्रल पढ़ना है तो अच्छा से रिस्पॉन्स देना बनता है, ठीक है। चलो तो देखो भाई, क्योंकि देखो मैं भी तो आपके लिए यहाँ पे बैठा हूँ, खड़ा हूँ, है ना, कि आप सबकी तैयारी करवाने के लिए जो चीज़ें आपको अच्छी लगे, जो चीज़ें आपके समझ में आए, वही सारी चीज़ मुझे यहाँ पे करानी है, ठीक है। इसी आपकी वजह से ही तो यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। तो इट्स अप टू यू। देखिए, रेमान इंटीग्रल का हमने पढ़ लिया पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। तो अब बात करते हैं उनकी इंटीग्रेबिलिटी की। अब उनकी इंटीग्रेबिलिटी का बस इतना पता होना चाहिए आपको, अगर कोई फंक्शन वेयर इज द मार्कर, कहाँ है तेरा, देखो भाई, हाँ, अगर कोई फंक्शन जो है वो किसी बाउंडेड फंक्शन है इंटीग्रल इंटरवल ए बी में, ठीक है, जो कि इंटरवल यहाँ पे भी बाउंडेड है, ठीक है। तो अगर वो फंक्शन पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन है इस इंटरवल में, तो वो इंटीग्रेबल भी होगा इसी इंटरवल में, बस इतनी सी बात, ठीक है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है किसी कोई बाउंडेड फंक्शन किसी इंटरवल के अंदर पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है, तो वो उसमें इंटीग्रेबल भी होगा। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट लास्ट क्लास से रहते थे, ठीक है। तो पीस वाइज मोनोटोनिक क्या होता है, पीस वाइज कंटिन्यूस क्या होता है, ये हम बहुत अच्छे से डिटेल पे पढ़ चुके, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई भाई, ठीक है, पहला रिजल्ट हो गया और दूसरा रिजल्ट हो गया लास्ट क्लास से। और फर्स्ट यूनिट आपकी ये खत्म हो जा रही है, सेकेंड यूनिट आज स्टार्ट कर दूंगा आपकी, ठीक है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ये है, ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए क्या कहती है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है इंटीग्रल कैलकुलस की। अगर कोई फंक्शन है एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है किसी इंटरवल ए बी के अंदर, तो सच दैट एफ इज डिफरेंशिएबल, तो वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में इफ एफ डैश इज इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल ए बी। अगर एफ डैश जो है वो इंटीग्रेबल हो, ठीक है, बोले तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर इंटीग्रेबल है उसी इंटरवल में, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में, ठीक है। समझाऊंगा, अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है, जिम्मेवारी है अपनी, ठीक है, एग्जाम्पल से भी क्लियर कराऊंगा और थ्योरम से भी क्लियर कराऊंगा, हर एक तरीके से बहुत अच्छे से क्लियर जरूर हो। देखो भाई, तो क्या कहा उसने, अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है इस किसी इंटरवल में और वो उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेबल है उस इंटरवल में, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इस ओपन इंटरवल में, या इसको आप दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, कि भाई फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तो अगर वो इंटीग्रेबल है एफ डैश इंटीग्रेबल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इंटीग्रल ए टू बी एफ डैश, ये है एफ डैश, ठीक है, मतलब कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू होगा एफ बी माइनस एफ ए। जैसे हम वो नहीं करते थे किसी फंक्शन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते थे, तो वैसे ही यहाँ पर सारी चीजें हैं, फंक्शन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम पुट करते हैं, ठीक है, ओके। चलो, इसको फंडामेंटल थ्योरम है, इम्पोर्टेंट है, तो समझ में आनी चाहिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो भाई, देखो
तो ये चीज हमें फंडामेंटल फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ने हमें ये चीज बताई, ठीक है। ओके, फंक्शन का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रल ए टू बी बराबर होगा फंक्शन की वैल्यू एट बी माइनस फंक्शन की वैल्यू एट ए, मतलब फंक्शन के अंदर लिमिट पुट करना पहले बी और माइनस ए। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक एफ एक्स मैंने फंक्शन ले लिया एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बोले तो एफ डैश क्या होगा भाई, ये एक्स का एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कर रखा नहीं एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो इसका एक स्टेप पहले क्या था, वही तो डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपस में उल्टे चलते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन, जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो आप इस पे पहुंचते हो, ठीक है। ये हम पहले का मैंने आपको जो डिफरेंशिएशन पढ़ाया इंटीग्रेशन पढ़ाया उसमें ये चीजें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से डिटेल में क्लियर करी थी, ठीक है। तो ये एफ एक्स है तो भाई एफ डैश एक्स के बराबर आ गया एक्स की पावर एन के इक्वल आ गया। तो देखो जो इसने कहा भाई हम करते हैं ए टू बी एफ डैश एक्स बराबर है एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। ओके, एफ डैश एक्स क्या है एक्स एन के इक्वल है ए टू बी, एफ बी क्या है फंक्शन की वैल्यू एट बी, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू अगर जहां एक्स है वहां पे अब क्या रख देना है बी रख देना है, तो बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। माइनस एफ ए मतलब जहां पे एक्स की वैल्यू है वहां पे क्या रख देना है ए रख देना है, तो ए की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन रख दिया भाई, एफ बी माइनस एफ ए आ गया, ठीक है। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन लिमिट क्या है ए टू बी, तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करोगे एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और फिर इंटीग्रेशन करने के बाद हम लिमिट पुट करते हैं बी और ए, ये इसकी लिमिट है। तो राइट हैंड साइड तो सोल्व हो चुकी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आप पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो ये आ गई माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स की जगह आ जाएगा बी, बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस ए की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, ए वाली बात हो गई। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई हैं, यही तो हमारी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कहती थी कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन किया जाए ए टू बी में तो वो एफ डी माइनस एफ ए के बराबर होगा, यही फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ने बोला था, और हमने इसको प्रूव भी कर दिया एग्जाम्पल लेके। इस तरह के आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोई भी फंक्शन दे दें सीधा आप उसको उसका आंसर कैसे निकालोगे, फंक्शन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपके एग्जाम में या तो थ्योरम पे क्वेश्चन बन सकता है या फिर आपके रिजल्ट पर भी क्वेश्चन बन सकता है। थ्योरम पर बनेगा तो नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन पूछेगा कि क्या क्या नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है, क्या रिजल्ट है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का, ये आप बताओगे, या फिर इस तरह से क्वेश्चन बना के भी आपसे आंसर पूछ सकता है। तो दोनों तरीकों से आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, होप क्लियर है। फिर आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है ना, एक का इंटीग्रेशन दूसरे का डिफरेंशिएशन हमने आई थिंक इंटीग्रेशन में भी पढ़ा है और डिफरेंशिएशन दोनों में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो इंटीग्रेशन में ही पढ़ेंगे और उसमें तो यू इन टू वी होता है वो तो चलो अलग बात है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में, अगर आप वो बच्चों में जो 11th 12th में आपने पढ़ा था वही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 12th वाला, ठीक है, यू इन टू वी वाला। ओके, तो मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ पे मैंने इसको स्किप किया है क्योंकि वो आसान है सबको पता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फर्स्ट थ्योरम हमने पढ़ ली अब सेकंड थ्योरम की बारी, सेकंड थ्योरम क्या कहती है देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है किसी इंटरवल ए में ए बी में तो दूसरा फंक्शन डिफाइन किया गया है कैपिटल एफ एक्स, ये है स्मॉल एफ ये है कैपिटल एफ, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है किसी इंटरवल ए बी में तो कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन कर दिया कैपिटल एफ जो कि बराबर है ए टू एक्स एफ टी डी टी, और एक्स बिलोंग करता है क्या इस इंटरवल में कहीं भी हो सकता है एक्स, तो ए से लिमिट किसी पॉइंट पर भी जा सकती है बी पे भी जा सकती है एक्स की जगह बी भी आ सकता है और कोई इनके बीच में पॉइंट भी हो सकता है यहाँ पे एक्स की जगह वो भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दूसरा फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, इस फंक्शन की नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन आपसे पूछी जाती है, ठीक है, कि भाई
सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में फंक्शन की क्या नेसेसेंट सफिशिएंट कंडीशन है या क्या रिजल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है मेरे दोस्त, वो पहला रिजल्ट तो ये है, इफ एंड इफ वाली कंडीशन है कि भाई अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है इस इंटरवल में, तो जो दूसरा फंक्शन हमने डिफाइन किया वो दूसरा फंक्शन कंटिन्यूस होगा उसी इंटरवल में। जो पहला फंक्शन जिस इंटरवल में इंटीग्रेबल था, तो दूसरा जो फंक्शन हमने डिफाइन किया वो उसी इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। और दूसरी कंडीशन है कि अगर पहले वाला कंटिन्यूस है, मतलब ये जो f है अगर ये कंटिन्यूस है, ठीक है, एट x नॉट कोई भी पॉइंट ओपन इंटरवल में a b में हमने मान लिया, तो f डिफरेंशिएबल होगा एट x नॉट, f डैश x नॉट बराबर f x नॉट। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर पहले वाला फंक्शन कंटिन्यूस है तो दूसरे वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, सेम पॉइंट्स पे इनकी वैल्यू आएगी, ठीक है, ये वाली बात हो गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, बस वही आता है, किसी भी थ्योरम की स्टेटमेंट आपसे पूछ लेता है, उसका थ्योरम का रिजल्ट आपसे पूछ लेगा, या उसकी नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन पूछ लेगा कि भाई अगर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम या स्टेटमेंट भी दे देता है और आपसे पूछ लेता है ये फर्स्ट थ्योरम है, फंडामेंटल फर्स्ट थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है या सेकंड है, इस तरह का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने तो कर ही दिया है, आपकी आपके लिए लिख दिया है सब कुछ। देखो अब जैसे मान लो कि ये क्लास सपोज 20 मिनट की हुई, ठीक है, और पर 20 मिनट के पीछे क्या है, बहुत सारा टाइम लग जाता है नोट्स वगैरह बनाने में, लिखने में, सोचने में चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको छोटी क्लास दी जा रही है इसका मतलब उसके पीछे बहुत मेहनत है, और अगर उसी चीज़ को मैं लाइव पढ़ाता तो 3 गुना टाइम मिल जाए, जैसे 20 मिनट की क्लास में तो 1 घंटे में पूरी हो लाइव, ये तो होता ही है, इसीलिए आप रिकॉर्डेड चूज करने लग गए हो आई थिंक, है ना। तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम हो गई भाई, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हो गई, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट का एग्जांपल लिया था, उसको क्लियर किया था, ऐसे ही आप सेकंड का भी कंटिन्यूस चेक कर सकते हो, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो कंटिन्यूस फंक्शन कैसे चेक करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं मेरे दोस्त पहले, ठीक है। देखिए अब एक और कहानी मैंने लिखी है इम्प्रॉपर रेमान इंटीग्रल की, ये आपको क्या है इम्प्रॉपर रेमान इंटीग्रल इसके बारे में बताती है ये कहानी, ठीक है। क्योंकि मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि जो भी मुझे समझाना होता है वो मैं बिल्कुल हिंदी में इजीली लिख देता हूँ सेम वर्ड्स के अंदर, कि आपको जब आप वो नोट्स पढ़ो तो आपको इतनी हद तक वो चीज़ें क्लियर हो जाए कि आपको दोबारा या तीसरी बार रिपीट ना करनी पड़े वीडियो, है ना, ठीक है। हमने अभी तक पढ़ा कि भाई कोई फंक्शन है वो रेमान इंटीग्रल है ऑन एन इंटरवल ए बी, ठीक है, ये हमने पढ़ा। जब भी हमने इसको पढ़ा किसी फंक्शन को रेमान इंटीग्रल या इंटीग्रल बताया, तो उसमें हमने एक बात आप नोट अगर आपने की हो तो हर बार वो जो फंक्शन होता था वो कैसा लेते थे हमें, बाउंडेड। जैसे आप आज वाली क्लास ही देख लो, कहीं पे भी मैंने मान रखा होगा, जैसे पहला ही ये मान रखा है पीस वाइज मोनोटोनिक, तो इसमें भी आपने देखा होगा जो फंक्शन है वो क्या है, बाउंडेड, ठीक है। तो हम ये बाउंडेडनेस लेके चलते थे फंक्शन के अंदर, ठीक है, ठीक है। देखिए तो जो भी हम फंक्शन लेके चलते थे, हमने जब भी रेमान इंटीग्रल की बात की तो उसमें फंक्शन को क्या लेके चले थे भाई, बाउंडेड लेके चले थे। और ये जो बाउंडेड होता था फंक्शन किसी इंटरवल में ए बी में, ये इंटरवल भी बाउंडेड होता था, मतलब यहाँ से ए से यहाँ से बी से दोनों तरफ ही बाउंडेड होता था। मतलब हमने ऐसा कोई फंक्शन तो नहीं लिया ना, आपको ध्यान हो, ठीक है, अनबाउंडेड नहीं लिया ना, नहीं लिया, ठीक है, आपका आंसर नहीं आना चाहिए अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो कहने का मतलब या तो फंक्शन बाउंडेड होता था, फंक्शन भी बाउंडेड होता था और इंटरवल भी बाउंडेड होता था, दोनों बाउंडेड होते थे तो रेमान इंटीग्रल हम पढ़ते थे, कोई फंक्शन रेमान इंटीग्रल होता था उस इंटरवल में। बट अगर क्या क्या हो कि इनमें से हो सके कि एक बाउंडेड हो दूसरा बाउंडेड ना हो तो क्या होगा, ठीक है। मान लो पता चले कि फंक्शन ही बाउंडेड नहीं है, ठीक है, या मान लो ये पता चले कि इंटरवल बाउंडेड नहीं है, या पता चले दोनों ही बाउंडेड नहीं है, तो जब ऐसा केस आ जाता है तो आप उसको रेमान इंटीग्रेबल नहीं बोल सकते, रेमान इंटीग्रल नहीं कहोगे आप। तो वहां पे हम हमारा नया टॉपिक आता है इम्प्रॉपर रेमान इंटीग्रल, कि जब कोई फंक्शन या इंटरवल या दोनों इनमें से कोई भी कंडीशन में जब वो बाउंडेडनेस खत्म हो जाती है
तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ये इम्प्रॉपर रेमान इंटीग्रल बोल देते हैं, ठीक है, ये वाली तो इम्प्रॉपर रेमान इंटीग्रल। अच्छा कुछ समझाता हूँ आपको, ये जो बात मैंने लिखी है इसका मतलब क्या है। देखो अभी एग्जांपल देखो, साइन इनवर्स वन क्या होता है भाई, आप कहोगे सर पाई बाय टू होता है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ट्वेल्थ क्लास में, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, ठीक है। इसमें फंक्शन एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स आएगा, ओके, तो डी एक्स अपॉन अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस है, कोई भी कॉन्स्टेंट है सी, ठीक है, ओके। दोनों तरफ मैंने लिमिट अप्लाई कर दी जीरो से वन, इसमें लिमिट अप्लाई करूंगा जीरो से वन, ठीक है, तो जीरो से वन करूंगा तो इसमें पुट करूंगा पहले वन साइन इनवर्स वन, और जीरो पुट करूंगा तो जीरो साइन इनवर्स जीरो जीरो हो गया, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट का तो हमें क्या ही करेंगे, तो साइन इनवर्स वन आ गया, साइन इनवर्स वन किसके बराबर था, पाई बाई टू के बराबर था, ये हमने हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ देखो डी एक्स अपॉन अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब वन माइनस एक्स स्क्वायर तो जब हम यहाँ देखते हैं, मैंने लोअर लिमिट पुट करी वन माइनस जीरो वन, वन का अंडर द रूट वन आ गया, ठीक है, ये बात चल गई। इसी दूसरी लिमिट क्या करना, वन वन माइनस वन का स्क्वायर वन, वन माइनस वन जीरो, तो वन अपॉन जीरो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपर लिमिट के ऊपर बाउंडेडनेस नहीं रही, यहाँ पर अपर लिमिट पर वन पर बाउंडेडनेस नहीं रही, यहाँ पर फंक्शन बाउंडेड नहीं रहा जब अपर लिमिट की हमें बात करी गई, वन की बात करी गई, तो इस केस में हम इसको रेमान इंटीग्रल नहीं कह सकते, रेमान इंटीग्रल, ठीक है, तो क्योंकि अब जो फंक्शन है, जो हम फंक्शन लेके चले हैं, वो बाउंडेड नहीं रहा, ठीक है, इस एक पे बाउंडेड नहीं है, एक पे वैल्यू नहीं आई हमारे, कोई फाइनाइट निश्चित वैल्यू नहीं आई जब मैंने वन रखा, ठीक है, तो इनफाइनाइट की तरफ चली गई चीजें, है ना, वन माइनस वन जीरो समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी की तरफ चली गई चीजें, तो यही चीजें होती हैं जो हम रेमान इंटीग्रल में पढ़ते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर रेमान इंटीग्रल के अंदर। इसमें तीन टाइप होती हैं, एक होता है टाइप वन जिसमें फंक्शन बाउंडेड नहीं है, एक होता है जब इंटरवल बाउंडेड नहीं है, एक होता है मिक्स टाइप जब दोनों ही बाउंडेड नहीं है, ये वाली चीजें आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो छोटी सी आज मुझे क्लास लेनी थी, ठीक है, क्लास रेगुलरिटी से कोशिश करूंगा रेगुलर अभी क्लास आए, ठीक है, और आप सबके रिस्पॉन्स के ऊपर है, अगर आप देखना चाहते हैं क्लासेस तो अच्छे से लाइक और कमेंट कीजिए, ठीक है, तो आपकी चीज़ें चलती रहेगी, क्लासेज आपकी चलती रहेगी, कभी कभी डेली आएगी, कभी कभी अल्टरनेट डे पे आएगी, बट क्लासेज आपकी आ जाएंगी, ठीक है। रेमान इंटीग्रल अगर आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए, क्या आपको रेमान इंटीग्रल जो मैं अभी तक मैंने तीन चार क्लासेज ली हैं उनसे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, क्या पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाना नहीं आ रहा है, तो कमेंट जरूर कीजिए, उससे पता चलेगा कि कितने बंदों को पसंद आ रहा है लाइक्स और कमेंट से, तो समझ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई अब मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता, अभी कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या रिस्पॉन्स है उस चीज़ का, मैं पूछ लेता अगर लाइव में होता तो, है ना, कि भाई समझ नहीं आ रहा, तो इस अगर समझ आ रहा है पसंद आ रहा है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वी विल स्किप दिस टॉपिक एंड विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, ठीक है। फिलहाल तो अगर मैं आगे कराऊंगा तो इसमें पढ़ाऊंगा फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप और मिक्स टाइप की एक क्लास हो जाएगी, और नेक्स्ट क्लास में बीटा गामा को करके दो क्लासों में मैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल को खत्म कर दूंगा, ठीक है, फिर सीरीज और एंड सीक्वेंस फंक्शंस की बात होगी, ठीक है, नई थर्ड यूनिट स्टार्ट होगी, तो कोशिश है अगले हफ्ते में ख़त्म कर दूंगा, कोशिश यही है संडे तक आपका ख़त्म हो जाए रेमान इंटीग्रल, यही कोशिश करूंगा, और आपके सपोर्ट के ऊपर बात है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, पर देखो थोड़ा पढ़ाएं पर अच्छा पढ़ें, ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।